हमारे मास्टर जी क्लास के बीच में किसी को भी पानी पेशाब की छुट्टी नहीं देते थे, लेकिन एक दिन नाश्ते में सूजी के पराठे खाने के कारण मेरा गला बार बार सूख रहा था, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बोतल पानी गटक गया। और तीसरा पीरियड आते आते जब मेरी टंकी फुल हो गई, तो मैंने मास्टर जी से पेशाब की छुट्टी मांगी, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ आंखें निकाल कर कहा, घर से मूत कर आया करो वरना यही एक झपट में पेंट गीली कर दूंगा। तो मैं डरा सहमा भगवान से ये पीरियड जल्द से जल्द खत्म होने की प्रार्थना करने लगा। इतने परिसर में मुझे एक एक सेकंड एक घंटे जितना लंबा लग रहा था। और फाइनली जब चौथे पीरियड की घंटी बजी, तो मैं टॉयलेट की ओर भागने को तैयार हो गया। तभी मास्टर ने अपनी घड़ी देखकर कहा, चौथा पीरियड भी मैं ही लूंगा और तब तक कोई पानी पेशाब के लिए नहीं उठेगा। ये सुनकर मेरे सब्र का बांध टूट गया, और इससे पहले कि मेरी किडनी फेल होती, मेरे क्लास में बैठे बैठे पेंट के अंदर से ही फवारे छूटने लगे और पूरी क्लास में भगदड़ मच गई। तब मास्टर जी को बीच में ही क्लास छोड़नी पड़ी और मुझे पेंट बदलने के बहाने पूरी छुट्टी मिल गई। तब से मास्टर जी ने मेरी किसी भी बात को कभी इनकार नहीं किया। क्या आपके भी टीचर ऐसे हैं?